वो कुछ नामांकित करते हैं स्पेशल तौर पे। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कोई मेरा नाम बुलाता है, मुझे उम्मीद है कि जब आपका नाम बुलाया जाता है तो आपको भी अच्छा लगता होगा। और इसीलिए वो दोस्त जो सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, शुरुआत में ज्वाइन कर लेते हैं और उनका नाम बोल दिया जाता है। और शुरुआत में शुरू करना, आगाज में शुरू करना, ये भी एक समझ लें तो कामयाबी की दलील होती है कि हमने किसी चीज को जो है वो उसके शुरू होने से पहले वहां पर पहुंच गए। तो यहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आम तौर पे अपॉर्चुनिटी जो है वो उसी वक्त अपॉर्चुनिटी कहलाती है जब बहुत सारे लोग उसको अपॉर्चुनिटी ना समझते हों। आप देख रहे हैं अभी तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसे ही होता चला आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एसेट्स और कॉइन रहे हैं जिनको बिल्कुल लोगों ने पसंद नहीं किया, उसके बारे में बातें की, जैसे आज अक्सर लोग BFIC BFD के बारे में भी करते हैं। BFIC को तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर चुका है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर चुका है, चेंज कर चुका है, बेहतर कर चुका है, खूबसूरत कर चुका है। और BLD जो है वो भी एक बेबी है, ग्रो कर रहा है और देखते ही देखते ग्रोथ हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे ना ये कहकर उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि सवेरे ऐड ही होएगा, सुबह ये नहीं होगा, खत्म हो चुका होगा सारा कुछ सुबह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब वो सुबह उठते हैं तो BLOVE टोकन के हवाले से और BLOVE नेटवर्क के हवाले से उनको कोई और खबर मिल जाती है बड़ी, और फिर वो कहते हैं बस ये थोड़ी देरी है, और फिर रात को सोते हैं कि सुबह शायद ये ना हो और हम लोगों को बता सकें। और ऐसे लोग जो है कभी कभी सच्चे भी हो जाते हैं, पर उसमें वक्त लगता है। वो इस तरह से वक्त लगता है कि क्या कहते हैं, एक आशिक था, किसी कोई आशिक था, एक समझ लवर था, चलें अच्छा लफज है लवर। तो उसने कमिटमेंट किया अपनी महबूबा से, अपनी बिलव से, कि अगर तुम मुझे ना मिली, तो प्यार करता था उससे और चाहता था कि उससे शादी हो जाए, तो उससे एक वादा किया, कमिटमेंट की कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। और वो वाकई उसको नहीं मिली, उसकी शादी किसी और जगह पे होगी, और वो लड़का मर गया, मगर ठीक 50 साल के बाद, फौरी तौर पे नहीं। तो कई लोग ऐसे इस उम्मीद पे होते हैं कि कोई 8 साल गुजर जाए तो वो कहे मैं तो 8 साल पहले कहता सी कि यह काम नहीं होना, खराब हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह वो अपने आप को सच्चा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुनिया और ये जिंदगी इस बात के लिए ना काफी है कि इसमें हम दूसरों के लिए टारगेट सेट करते रहें, हम अपने लिए कर लें सेट टारगेट और उनको अचीव कर लें, यही बहुत है, ना कि हम दूसरों के लिए जजमेंटल हो जाएं और दूसरों के लिए टारगेट सेट करते रहें। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई दोस्त ऐसे हैं जो इस मिजाज के साथ भी होते हैं। एक मजेदार चीज बताऊं आपको, आप सारे मेरे भाई वो बैठे हैं जो जिनका ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से है। अब दुनिया में जो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का रेशियो है ना, उसके ऊपर जो रिसर्च है वो ये है कि 95% लोग नेगेटिव सोचते हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबली 95%। और जो हमारे रीजन की, जहां हम रहते हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं, अब वहां पर जो रेशियो है वो 98% है। यानी हमारे कॉन्टिनेंट में चीजों को नेगेटिव सोचना, इसमें हम दुनिया से 3 हाथ आगे हैं, कम से कम 3% ज्यादा है। नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है वो मैं अक्सर तस्करा कर चुका हूँ कि बंदा अच्छा बुरा नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग से। मेरी किसी मामले में मैं नेगेटिव भी थिंकिंग कर सकता हूँ, कभी मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, तो मैं ही रहूंगा। मेरी अप्रोच और सोच कभी पॉजिटिव भी हो सकती है किसी मामले में, किसी मामले पे नेगेटिव भी हो सकती है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये होती है कि किसी भी चीज को सुनने के बाद अगर आप उसको समझने के लिए आमादा हो जाए तो वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आप उससे उलझने के लिए तैयार हो जाए तो फिर वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। क्योंकि दुनिया में चीजें तो हो रही हैं, सुबह से शाम तक चीजें नई से नई ईजाद हो रही हैं, नई से नई इन्वेंट हो रही हैं। अभी आपको एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार मैं पूरी जिंदगी गुजर गई, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो आपको इस बात के लिए अगर आप तैयार होना कि हाँ हो सकता है कि मुझे ना पता हो, मुझे समझ ना आया हो, अगर इस बात के लिए आमादा रहेंगे, इस बात के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर लर्निंग होती रहेगी। इसका मतलब होगा कि हम पॉजिटिव ट्रैक पे हैं। तो हमें अपने इस बिजनेस के अंदर, BLOVE के अंदर, इसका टॉपिक भी शायद BLOVE नेटवर्क ट्रेनिंग ही है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारा एक ट्रैक है, उस ट्रैक से नहीं हटना। हम कहीं ना कहीं हट जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे अपने दोस्तों को कि अपने किसी ना किसी ट्रैक से हट जाते हैं। अच्छा, मेरा हाथ जब दिख रहे होते हैं ना मीटिंग में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। मैंने कहीं साइंस पढ़ी थी कि हाथ ऐसे हो तो कोई उसका होता है, लेकिन मैं, मुझे नहीं पता, अगर किसी को साइंस पता है तो वो जज कर सकता है, लेकिन मैं तो नॉर्मली जो है जिस तरह से मेरा दिल करता है मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, और इनको नीचे भी कर सकता हूँ मैं, आपको नजर ही ना आए तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो जो हमारा ट्रैक है इस बिजनेस के अंदर क्रिप्टो करेंसी का, वो ट्रैक ही कहता है कि हम एक क्रिप्टो करेंसी है। BLOVE टोकन एक क्रिप्टो करेंसी है। इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज स्कोप मौजूद है,
आज हम इसको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, और इसका रोड मैप ये बताता है कि इसका एक ब्राइट फ्यूचर है। ये है इसका असल ट्रैक। इस ट्रैक से जब हम हटते हैं तो हमारे लिए परेशानियां पैदा होती हैं। एक ट्रेन जब अपनी पटरी को छोड़ देती है ना, तो वो ट्रेन नहीं है और ना उसकी कोई मंजिल है। उसके लिए डिस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए तबाही होती है। उसने कहीं जब ट्रैक से उतरेगी तो उलट पुलट करके चार छह घरों को, बिल्डिंगों को गिरा के खुद भी गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी उसका जर्नी, खत्म, सारा कुछ खत्म। तो ट्रैक से हमने नहीं हटना होता, कम से कम मेंटली, दिमागी तौर पे। ट्रैक क्या है? ट्रैक वही है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी है जो बिल्कुल न्यू बोर्न है, आप एक टोकन की शक्ल में है, आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आज ट्रेडिंग पेयर में नहीं है, आपके पास मुख्तलिफ आइडियाज और प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन आइडियाज और प्रोजेक्ट्स के को ग्रो करेंगे, आप एक यूजिबिलिटी और यूटिलिटी क्रिएट करेंगे इस टोकन के लिए, आप इस टोकन के लिए डिमांड क्रिएट करेंगे, आप इस टोकन के लिए कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, और फिर आप जब एक्सचेंजेस के ऊपर जाएंगे, जब ओपन मार्केट के अंदर जाएंगे, फिर लोग आपको खरीदेंगे, फिर किस कीमत पर खरीदेंगे वो उस वक्त का वक्त डिसाइड करेगा। आप फायदे में रहेंगे क्योंकि आप 1, 2, 4, 10 सेंट की प्राइस पर एंटर हुए थे, और वो लोग जो वहां पर होंगे वो 2, 4, 10 डॉलर की प्राइस पर एंटर हो रहे होंगे। हो सकता है आपके लिए एग्जिट का टाइम हो सकता है आप आधा माल बेच लें, हो सकता है आप 10% बेचें, हो सकता है आप 90% बेच लें। उस वक्त के आपके अलग अलग डिसीजंस होंगे, आपके अपने अपने और अलग अलग डिसीजंस होंगे जब आपका क्वाइन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा होगा, बाइंग हो रही होगी, सेलिंग हो रही होगी, उस वक्त आप इसको सेल कर पाएंगे। ये है आपका ओरिजिनल ट्रैक। इस ट्रैक के अंदर इस कंपनी ने, बी लव नेटवर्क ने बी लव टोकन के साथ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन ये कहता है कि आप इसकी मदद से इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने टोकन को बढ़ा सकते हैं। आपके पास 1000 टोकन है तो आप उनको बढ़ा लें, आप उनको 5000 कर लें। आपके पास 100 टोकन है आप उसको 500 टोकन कर लें। आपके पास 10 लाख टोकन है आप उनको 50 लाख टोकन कर लें, 1 करोड़ टोकन कर लें। उसका फॉर्मूला भी दे दिया कि आप मिनिमम इतना कमा पाओगे और मैक्सिमम इतना कमा पाओगे। मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम की लिमिट क्या है? जैसा कि हमें पता है कि प्लान पता है इस बात का, लेकिन आप लीडर्स बैठे हैं सब लोग, तो आपको बता दूं कि आपको इस चीज का अंदाजा है कि इस चीज को ऐसे नेटवर्क के तौर पे, नेटवर्क लीडर के तौर पे हमने सजेशन कंपनी को दे रखा है कि किसी भी बंदे के लिए जब ज्वाइन करे उस दिन से 500 दिन आप गिनना शुरू करें। जबकि कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग ये है कि जब कोई ज्वाइन करेगा उसके बाद जितने दिन बकाया बचेंगे वो हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 मार्च को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग की है, तो हम अप्रैल में बैठे हैं, अप्रैल की 12 तारीख में अगर मौजूद है, 13 तारीख में मौजूद है, तो 40 डेज गुजर चुके हैं। नया आने वाला जो है वो 460 दिन इससे रिटर्न ले पाएगा। इसी तरह बढ़ते 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 बात आगे बढ़ जाएगी। तो कंपनी ने ये यकीन दिलाया था, मैनेजमेंट ने ये यकीन दिलाया था, और हमें उनकी बात पे पूरा यकीन है कि कम्युनिटी के लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे, और आप हमें 200 दिन के बाद ये मशवरा अपना दोबारा दे दीजिएगा। उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के अतबार से 200-250 दिन यानी आधा टाइम गुजर चुका होगा, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि जो भी करना है हम उसको आपको बता देंगे, और ऐसा कुछ करेंगे जिसमें अल्टीमेटली कम्युनिटी का बेनिफिट हो, जिसमें बिल आखिर फायदा कम्युनिटी का निकलता हो। क्योंकि कम्युनिटी की कामयाबी ही कंपनी की कामयाबी है, और कंपनी की कामयाबी कम्युनिटी की कामयाबी है, और दरअसल कम्युनिटी और कंपनी एक ही होते हैं, कम्युनिटी और कंपनी एक ही साइड पर है। ये याद रखिएगा कि आप 1.6 करोड़ लोग, और आप में शामिल है मैनेजमेंट के सारे लोग, ये आप एक साइड पर हैं और बाकी दुनिया एक साइड पे है। ये 2 पार्टीज हैं, आप और कंपनी 2 पार्टी नहीं होते, मैं और कंपनी 2 पार्टीज नहीं है। मैं कंपनी की साइड पे हूं, आप कंपनी की साइड पे हैं, कंपनी हमारी साइड पे है, हम एक साइड पे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बी लव का हिस्सा नहीं है, जो मार्केट्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्सचेंजेस के मालकान हैं, जो क्रिप्टो के बड़े ट्रेडर्स हैं, जो वेल्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जो आम जनता है, जो आज तक आपके साथ नहीं है, वो दूसरी पार्टी है। तो आज आपको मिलकर इस कम्युनिटी ने और इस कंपनी ने, आपने, मैंने, हमने, सबने मिलकर ग्रो कराना है अपनी इस कम्युनिटी को, अपनी इस कंपनी को, और सक्सेस दिलानी है इतनी कि लोग रश का मेज तरीके से ये चाहें, वो लोग जो भी नहीं है वो ये चाहें कि वो BLV खरीद पाएं। और इसकी छोटी सी झलक, जिस तरह हम कहते हैं कि मौत की एक झलक नींद है, जिस तरह हम नींद में हमें नहीं पता एक झलक है उसकी, और हम रोजाना एक तरह से सुबह उठते हैं तो पता नहीं होता रात को कौन उठेगा, सुबह की नहीं उठेगा, तो ये उसका एक छोटा सा नमूना है। इसी तरीके से ये एक झलक है, आप देख रहे हैं कि BLV टोकन्स शॉर्ट हैं, नहीं मिलते, नहीं अरेंज होते, मुश्किल हैं, तो ये उसकी एक झलक है। लेकिन ये
शुरू में तो नहीं था ऐसा, ये शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख मैं एक भी टोकन हासिल करने में नाकाम रहा हूं। तो ये सिचुएशन अभी से क्रिएटेड है, कम्युनिटी के अंदर से क्रिएटेड है, कम्युनिटी में ये सिचुएशन चल रही है। और वजह क्या है कि लोग अब खरीदना चाहते हैं, लोग बाय करना चाहते हैं, लोग लेना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू बाय द बीएलबी टोकन्स। और ये जिनको अभी पता लग रहा है, लेकिन आज से एक महीना पहले काफी आसान था, उससे दो महीने पहले ये और आसान था, ठीक है। तो अब तक तब कंपनी दे रही थी, तो अब जो सिचुएशन है इस, ये झलक है इसकी, इसकी हकीकत, ये ट्रेलर है इसकी। जब पूरी फिल्म रिलीज होगी 16-17 महीने में, 20 महीने में, 24 महीने में, जब इसकी पूरी फिल्म रिलीज होगी, तो आप देखेंगे कि यही कैफियत अगर उस मार्केट में हुई तो फिर आप अपनी प्राइस का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्रिप्टो में अनहोनियां होती हैं, मैं आपको नाम भी ले देता हूं तो तब भी चलेगा, नाम नहीं लेता चले ऐसे ही, अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। एक क्वाइन है जो 2016 के अंदर 2016 में स्कैम डिक्लेयर हो गया। स्कैम क्या होता है कि जब कोई प्राइस अपनी जो क्वाइन है वो अपनी प्राइस को सस्टेन ना कर पाए और बहुत बुरा गिरे, जैसे $100 से 1 सेंट पे आ जाए, $50 से 2 सेंट पे आ जाए, तो लोग उसको स्कैम कंसिडर करते हैं, अनलेस कि वो दोबारा राइज कर जाए, जब तक कि वो दोबारा उठ नहीं जाता। तो 16 में एक क्वाइन था जिसके बारे में लोगों को ये परसेप्शन लगा, लेकिन उस क्वाइन के मालिक ने कहीं ना कहीं 17 में, अगर जो क्रिप्टो से जुड़े हैं उनको थोड़ा शायद याद आ जाए तो उनकी अपनी किस्मत है, 2017 की नवंबर दिसंबर में, उस वक्त एक एक्सचेंज होती थी, तब बाइनेंस का कोई जलवा नहीं था और बिट्रेक्स नंबर वन एक्सचेंज थी जो अमेरिकन एक्सचेंज थी, तो बिट्रेक्स के ऊपर उसको लिस्ट कराया और उसकी थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई, और वो जो सेंट्स के अंदर था, बिल्कुल सेंट्स के अंदर था, वो क्वाइन $7.5 में जाकर बिका। ये मैं आपको एक बहुत ही बुरी वाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस प्राइस से वो इस प्राइस पर चला गया, क्योंकि वो लोग, वो कम्युनिटी बाहर की कम्युनिटी को यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि इस प्रोजेक्ट में जान बाकी है और ये ग्रो करेगा, और जिसका नतीजा ये निकला कि बाइंग 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 और प्राइस 7.5, और वो तमाम लोग जो उस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने $2.5 पे, $3 पे, $2 पे, $4 पे, $6 पे बेच के निकल गए। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। बिटकॉइन जिन्होंने माइन किया था वो बेचकर निकल जाते हैं। आज जो बिटकॉइन का माइनर है ना, वो उसको जो रोजाना की बुनियाद पे बिटकॉइंस मिलते हैं, एक ब्लॉक जो है वो 10 मिनट का जो ब्लॉक है बिटकॉइन का, अब वो शायद उसका जो रिवॉर्ड है, ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 6.25 बिटकॉइन है शायद, तो वो 6.25 बिटकॉइन जो आते हैं वो माइनर बेच देता है। ऐसा नहीं कि माइनर जमा करते जा रहे हैं, जमा करके वो बेच देते हैं, कितने का बेच देते हैं, जो मार्केट की प्राइस होती है उस पर बेच देते हैं, तो वो निकल जाते हैं। और जो उनसे ले लेता है, अब जिसने आज उनसे खरीद लिया है 30,000 पे, 28,000 पे, तो वो उसकी, अब उसको निकलना है बाहर, तो वो देखेगा प्राइस ऊपर जाएगा तो वो 40 पे बेचते, 32 पे बेचते, नीचे आ जाएगा तो वो स्टक रहेगा उस वक्त तक जब तक प्राइस वापस नहीं आती। तो इस तरीके से ये अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये बाहर निकलने की एग्जांपल दे दी कि जो माइन करता है, जो कमाता है, वो बेटर प्राइस पे बेच के वो उसका हिसाब खत्म हो जाता है, और उसके बाद दूसरे के पास बॉल आ जाती है, वो देखता है कि उसको उसके लिए क्या पोटेंशियल। हमने देखा लोगों ने किसी भी कॉइन को अपनी एक खास प्राइस पे निकाल दिया, फिर अगलों के लिए होता है कि वो किस प्राइस पे लेते हैं। तो खुलासा ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अनहोनियां हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, इतनी के इंसानी सोच से बईद नहीं है। आपने डॉज कॉइन की एग्जाम्पल देखी होगी, आपने शिबिनू की एग्जाम्पल देखी, अनहोनियां हो रही है। मतलब मैं डॉज के अंदर, डॉज कॉइन को मैं, जिसे डॉगी भी कहते हैं, जो मर्जी कह ले, मैंने उसका नाम डॉज रखा हुआ है, तो उसको 1670 में मैंने मिलियंस खरीदने, ऐसे $10-20 में, और मिलियंस ही बेच देने। और फिर आपने देखा कि पिछले बुल रन के अंदर उसने कैसे अपनी प्राइस के अंदर से खत्म करते करते कितने जीरो उड़ा दिए। वो जो जीरो वहां से प्राइस से निकले ना, वो लोगों के एसेट में ऐड हो गए। अगर 6 जीरो उसकी प्राइस में कम हुए हैं ना भाई, तो आपके एसेट में, आपके पास $100 था, उसके साथ 6 जीरो लगे हैं उधर आके, वो आपका एसेट उतनी हाई प्राइस पर चला गया। और पीछे रीजन क्या था, सिर्फ ये बात मशहूर थी कि एलन मस्क जो है अब वो डॉज की सरपरस्ती करने लगा है, और उसने डॉज बाय कर लिया है, जिसको उसने बाद में डिनाई भी कर दिया। तो इस, यानी यहां पर चीजें होती हैं ऐसी अनहोनी। इसलिए इस करंट, इस इंडस्ट्री के अंदर आपने हमेशा तैयार रहना है,
कोई ऐसी हिसाबी किताबी चीजें नहीं है, कोई इतना बड़ा दानिश्वर नहीं है, कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं है जो पॉइंट्स का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करता हो। कोई नहीं कर सकता, आप मैं नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आदमी किसी कॉइन का, आप किसी कॉइन को तो छोड़ दें, बिटकॉइन का फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ऐसा एक्यूरेटली कि हाँ जी एनजी होना है, कोई नहीं कर सकता। करते हैं तुक्के भी लगते हैं, नहीं भी लगते, चीजें स्टैट्स हैं, माजी है, हालात हैं, वाकयात हैं, उनकी बुनियाद पे हम रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मार्केट तो मार्केट है, वो कभी भी हो जाती है, कभी भी शेक कर जाती है, कभी भी उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। आज हमें पॉजिटिव चीजें किसी भी करेंसी के बारे में मिलती हैं तो वो ग्रो कर रही है, नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगे तो लोग सेलिंग प्रेशर पे चले जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी इस तरह से चल रही है, वजह क्या है कि रियल यूजेबिलिटीज नहीं है, रियल जो डिमांड होती है वो नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है। अब मुझे सवाल पूछूं अगर मैं सब लोगों से, तो इस बात से क्या ताल्लुक था कि एक वॉर शुरू हुई, ये 6 महीने पहले की बात है, तकरीबन 5-6 महीने पहले के वॉर शुरू होती है, रशिया यूक्रेन के साथ करता है और सबको पता है कि इसमें पलड़ा भारी रहेगा, रशिया का एक बड़ी जो है वो समझ लें पावर है, बड़ी एक एनर्जी है उसके पास, और यूक्रेन के साथ, और इसकी वजह से बीटीसी $10,000 क्रैश कर जाए, क्या साइंस है इसकी? जस्ट न्यूज़ जो है वो ग्रो करा देती हैं, न्यूज़ जो है वो नीचे ले आती हैं, ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड है। आपका ट्रैक क्या था, आपका ट्रैक क्या है? आपका ट्रैक ये है कि आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहते हैं, आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं, आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में लाना चाहते हैं जिसकी उतार चढ़ाव का रीजन खबरें ना हो, न्यूज़ ना हो, जिसमें इतनी स्टेबिलिटी हो कि उसको खबरों से फर्क ही ना पड़े, उसके पास रियल यूजेज हो, उसके पास असल इस्तेमाल हो, आप एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते हैं। BFIC उसकी पहली कड़ी है, BFIC कॉइन, उस कॉइन के आने में, बनने में, कम्युनिटी डेवलप होने में इस कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने बुनियाद रखी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बेस रखी है, बेस बनाई है, या बेस शुरू किया है, काम शुरू किया है, किसी प्रोजेक्ट का काम पेपर की हद तक हो गया है कि कागज पर लिखा गया है कि उसको कैसे बनाना है, किसी का काम कोडिंग में चला गया है कि उसकी कोडिंग होती है, किसी का फ्रंट एंड बन चुका है कि जी इसका सामने वाली शक्ल ऐसी दिखेगी, किसी का अल्फा वर्जन बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, बना दिया गया है, किसी को बीटा वर्जन को प्ले स्टोर पे भी डाल दिया गया है, तो इस तरीके से, और कोई लाइव भी कर दिया गया है, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट यूजेबिलिटीज जो है वो बनने की बुनियाद और आगाज चल रहा है इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर BFIC के दौर से। तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, आपको आपके पास जो तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अब पहली बात तो मैं मुकम्मल कर दूं कि रोड्स मैप से नहीं हटना, उसका मतलब ये होता है कि आप जब इसमें उलझ जाएंगे, अब आपका अगर मकसद ये बन जाए, यानी BLV नेटवर्क के अंदर असल ट्रैक क्या है, पटरी क्या है आपकी, आज आप प्राइस पे बाय करें जिसपे मिलता है, 1 सेंट पे, 2 सेंट पे, 3 सेंट पे मिलता है अगर, तो ठीक बाय करें, मिलने से भी बहुत सारी कहानी जुड़ी है वो भी मैं शेयर करता हूँ, तो जो मिलता है उसको लें, खरीदें, संभाल कर रखें, बढ़ाने का ऑप्शन है तो बढ़ा लें, और जब आप मार्केट्स में जाएं तब आप उसको सेल कर सकें बेटर प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे, उसको आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकें, तो ये इसका असल ट्रैक है। बीच में आपके पास एप्लीकेशन है जो आपको कहती है कि आप इसको बढ़ा लें, इसमें इजाफा कर लें, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर से नए टोकन्स बनते हैं, नए टोकन्स जनरेट होते हैं, 1% डेली जनरेट होता है, और 1% डेली जनरेट का मतलब है कि 30% टोकन्स मंथली नए जनरेट होते हैं, क्योंकि अभी लोग टोकन्स खरीद रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली 30% ही बन रहा है आपका, पैसों के अतबार से भी देखें तो 30% बन रहा होता है, और जिस तरीके से हर मंथ प्राइस एप्रिसिएशन होती है, 3 वाला टोकन जब आपका 5 सेंट का बिकेगा तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 70% तो आपको यहां से आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि आप 30% महीने का और उस टोकन्स को अगर आपने अगले प्राइस वाले पे बेच दिया तो आप तो तकरीबन तकरीबन महीने में 100% ले जाते हैं, तो ये जो 100% का ऑफर है महीने के अंदर ये कामयाबी से जारी है, और मैं आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि इसने कामयाबी से जारी रहना, हमेशा आपको शॉर्टेज रहनी है और आपके पास मजीद डिमांड रहनी है, 3 सेंट से 5 सेंट, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 9, 10, 10 सेंट से 20 सेंट, 20 से 30 सेंट, ये जर्नी जो है इस तरह चलता रहना, इसलिए इस चीज को नॉर्मल समझें, इस चीज को इसमें अपनी कामयाबी तलाश ना करें, ये आपकी या मेरी कामयाबी नहीं है। मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं,
बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके पास $5 लाख की डिमांड है तो उनका कोई कमाल है इसमें। कोई कमाल नहीं है, मेरे पास $50 मिलियन की डिमांड होगी तो मेरा कमाल है। कोई कमाल नहीं, ये बिजनेस का प्लान कमाल है, बिजनेस प्लान का कमाल है, टोकन का कमाल है, ब्रांडिंग का कमाल है, कंपनी का कमाल है, मैनेजमेंट का कमाल है, इनोवेशन फैक्ट्री का कमाल है, उमर खान का कमाल है, ये आपकी सारी पास हिस्ट्री का कमाल है क्या आपने सक्सेस डिलीवर की है। किसी का कोई कमाल नहीं है, इसलिए इस चीज में, इस चीज को अपनी कुव्वत और ताकत मत समझें। आज के दिन में BLP के वाले से खुसूसी तौर पे कहना चाहूंगा अपने सारे भाइयों को, दोस्तों को, इसको अपनी ताकत मत मानिए। अगर आपके पास $2-4 लाख की डिमांड डेली आती है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करना है। और मैं आपको अभी आज पैमाना भी बताता हूं कि सक्सेस नापी कैसे जाएगी। सक्सेस नापी जाएगी अब जब आप रोज $5 लाख का बीफर यूज करेंगे, तो पता लगेगा कि आपने मेहनत की है, तो पता लगेगा मैंने मेहनत की है, तब पता लगेगा कि मुझे $5 लाख का डेली बीफर चाहिए, क्योंकि मैं मीटिंग्स करता हूं, क्योंकि मैं गेट टुगेदर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो हूं वो बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं टीम्स डेवलप कर रहा हूं, मैंने इतनी बड़ी टीम डेवलप कर ली है, अब उनको सिस्टम में आना है, उनको साइन अप करना है, 3 बीफर चाहिए 5 बीफर चाहिए, वो 5 बीफर रोजाना मेरी टीम में 10,000 लोगों को चाहिए हो, तो इसका मतलब है मैंने 50,000 बीफर का सेल किया, वो मेरा कमाल माना जाएगा। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं शायद रोज का $500-700 का बीफर यूटिलाइज कर पा रहा हूं। मुझे मेहनत करने की जरूरत है, मुझे बढ़ाना है अपनी सेल्स को, मुझे $50,000 पे अपनी उस जो है वो डिमांड को लेके जाना है, बीफर की डिमांड को, तब उसमें मेरी कामयाबी दिखेगी, उसमें मेरी मेहनत दिखेगी। BLV में मेरी मेहनत नहीं दिखेगी 100% के लिए, तो हुकूमतें तैयार हो जाएंगी आपको पैसे देने के लिए, बैंक तैयार हो जाते हैं, एलो फड़ो तुम साढ़े को 100% सामने दो, क्योंकि आपकी 100% नहीं है, 70-80-85% कितना एप्रिसिएशन है, कैलकुलेटर निकाल लें और खुद अंदाजा लगाएं। मैं अभी जुबानी जुबानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन 30% तो आपको डेली 1% के हिसाब से आ गया टोकन की शक्ल में। जब टोकन को बेचने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आपको जो एप्रिसिएशन मिलता है वो अलग है। अगर आप पाकिस्तान के बचिंदे हैं तो आपका और ज्यादा है, क्योंकि आपके तो डॉलर की प्राइस भी बढ़ती चली जा रही है, तो आपका तो एप्रिसिएशन गिना ही नहीं जा सकता। तो आप ये इस चीज को, यानी अपनी कामयाबी को मापना है और नापना है, तो आज उसको नापने का मयार नहीं है कि मेरे पास BLV मुझे चाहिए, मुझे 5 करोड़ BLV चाहिए, 10 करोड़ BLV चाहिए, ये पैमाना नहीं है कामयाबी का प्यारे भाइयों दोस्तों। इससे मेहनत नहीं झलक रही मेरी और आपकी कि हमें 5 करोड़ BLV चाहिए। BLV तो पूरी दुनिया को चाहिए, इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि BLV की डिमांड है, BLV बिकता है, BLV ब्लैक में बिकता है, BLV की प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है, BLV से 30% जो है वो टोकन की शक्ल में आ रहा है, तो और क्या चाहिए किसी को, कुछ नहीं चाहिए होता इससे। इसके लिए वही जो खांसा परी बात है, गुर्दे बेच के भी कोई दे देगा भाई, ले जाओ, कोई बात नहीं, इतना बड़ा बेनिफिट। तो यहां हमारी कामयाबी नहीं झलक रही, हमारी कामयाबी कहां झलकेगी, हमें एज ए कम्युनिटी, मैंने शुरू में कहा कि हम एक ही साइड पर हैं, तो हमारी कामयाबी कहां झलकेगी, जब मैं $5 लाख का डेली बीफर बेचूंगा तो फिर जिंदाबाद होना चाहिए, फिर जय हो जी की, जब $5 लाख का मैं डेली बीफर बेचता हूं, लेकिन $5 लाख का BLV की डिमांड क्रिएट हो रही है, तो उसमें जी सीनियर का कोई कमाल नहीं, कोई जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मान लोगे तो कहूंगा 0.00001% है कहीं, लेकिन बाकी जो कमाल है वो जिनका है मैंने बता दिया, वो प्लान का कमाल है, मैनेजमेंट का कमाल है, कंपनी का कमाल है, उनके उनकी पास्ट हिस्ट्री का कमाल है, उनका एम का कमाल है, उनके अजम का कमाल है, उनकी पर्सनैलिटी का कमाल है, सब कुछ उनका ही है। तो इसलिए अपना कमाल जो दिखाना है, जो मेरा कमाल है वो इसी बात पे झलकेगा, कहूंगा मैंने 10 लोगों की टीम बिल्ड कर ली। आप देखिए हमने टीम बिल्ड की है, लेकिन हमें कितनी आसानी से बिल्ड हो गई, क्या हो तुम्हें 100 टोकन देते हैं तो टीम का हिस्सा बन गया। कमाल कहाँ पे है, लेने आप देने वाले बने, लेने वाला कहां से इनकार करता है, लेने ऐसा तो होता ही नहीं कभी। कि आप कितनी वीडियोस टिकटॉक पे देखते हैं, लोग जो है वो मोबाइल बांट रहे होते हैं, लैपटॉप्स बांट रहे होते हैं, दूसरों को चीजें दे रहे होते हैं, और कितनी सारी पूरी दुनिया की वीडियो लोग ले रहे होते हैं। कोई कोई बंदा होता है यार मैंने ना देखे से और जरूरतमंद दे दे, लेकिन अदरवाइज तो लोग ले रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास जो जो कमाल है आपका, वो दिखेगा कहां पर, वो दिखेगा जब आप USDB की, जब आप बीफर की डिमांड क्रिएट करेंगे, और कैसे क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी ग्रो करेंगे। आप वो 100 टोकन बेचना शुरू करिए, कमाल यहां पर आएगा। आप लाखों टोकन मत बेचें, लाखों BLV के टोकन मत बेचिए, जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं कि कोई दे और आप खरीदें, कोई दे और आप खरीद के अपनी टीम को दे दें, कोई दे आप खरीद के किसी और को दे दें, उसके लिए मेहनत ना करें, उसमें कोई मेहनत नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। इतने सारे लोग हैं बैठे कहीं और, पेमेंट कहीं और भेज रहे हैं, दुनिया के एक कोने से पेमेंट दूसरे कोने में बंदे को भेजी है, जिसको जानते भी नहीं है कि भाई तू मैंने BLV ला दे। तो वो तो ढूंढने वाले ढूंढ भी रहे हैं, जो हो रहा है होने दो, सब चल रहा है। आपका मेरा कमाल कहाँ पे आएगा, आपका मेरा कमाल यहाँ पर आएगा कि मैंने 10 बंदों की टीम बनाई है, आज उनको मैंने 100-100 टोकन बीफर के साथ लेकर दिया, यहाँ है आपका मेरा कमाल।
और यहां से है सक्सेस का स्टार्ट, यहां से है कामयाबी का आगाज, और यहां से पता लगेगा अब मेरी वो टीम कितनी है, 1,04,70,000 के बाद टीम कितनी बनी है और उनमें से एक्टिव मैंने कितने कराए हैं, वो मेरी सक्सेस है, वो मेरी कामयाबी है। उससे नापा जाएगा कि मैं कितना काबिल हूं, और उससे नापा जाएगा कि मैं कंपनी के लिए कितना खलूस रखता हूं, उससे ही नापा जाएगा कि मैं कम्युनिटी के साथ कितना मुखलिस हूं, उससे नापा जाएगा। 1,04,00,000 से पहले कुछ नहीं नापा जाएगा, और ना बीएलबी की डिमांड और सप्लाई से नापा जाएगा, वो तो क्रिएट हो चुकी, वो तो बन चुकी है, वो लोग चाहते ही चाहते हैं। मैं आपको स्टैट्स बता देता हूं, मैंने कल चंद दोस्तों के शेयर भी किया था, ये आमतौर पर हमारे सामने नहीं आते, संडे का दिन था और जरा फॉर्मल मूड में, अदरवाइज ऑफिस में प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, संडे का दिन था तो आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा, जो हमारे सीटीओ हैं उनसे पूछा कि डेली बेस पे कितने लोग एक्टिविटी करते हैं, यानी लोग्स जो 1,06,00,000 लोग नजर आ रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो डेली बेस के ऊपर एक्टिविटी करते हैं। उन्होंने ऐसे ही अपने जोबन में बैठे थे, उन्होंने कहा 2 मिनट रुके, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके और मुझे कहा कि इस वक्त, ये संडे का दिन था और रात के 8 बजे थे दुबई टाइम के मुताबिक, उन्होंने कहा अभी तक 7.5 मिलियन प्लस लोग अपना टैपिंग कर चुके हैं, एक्टिविटी कर चुके हैं, 7.5 मिलियन प्लस। और मैंने पूछा कि उनमें से स्टेकिंग यानी टोकन्स जो है गिफ्ट वाले टोकन्स के अलावा कितने लोगों के पास टोकन्स हैं, चाहे थोड़े ही हों, चाहे 50, 100, 200 लगाए हों किसी ने, तो उन्होंने मुझे बताया कि लेस देन 2,00,000, 200,000 से कम लोग, यानी 1,00,00,000 का 2% लोगों के पास भी टोकन नहीं है, 7.8 मिलियन एटलीस्ट। और मैंने उनसे पूछा कि रैंडमली एवरेज कितना आता है, तो उन्होंने कहा 9 मिलियन के करीब, यानी 85,00,000 और 90,00,000 के करीब रोजाना लोग एक्टिविटी करते हैं। तो आप और बाकी 15,00,000 लोग हैं वो जो जिनके अकाउंट्स बने, मल्टीपल बन गए, अकाउंट बना नहीं, ओटीपी नहीं आया, लेकिन अकाउंट सिस्टम में दिख गया, यानी ये चांस है, या उन्होंने छोड़ दिया हुआ, उनका इंटरेस्ट नहीं है कि टोकन रोजा लेके की करना है, उनको निकाल दो, तो 90,00,000 लोग रोजाना एक एक्टिविटी करते हैं, जिनमें से 2,00,000 लोगों को यह पता है कि इस एक्टिविटी का प्रॉपर फायदा आ रहा है। अगर किसी के 50,000 टोकन स्टेक हैं तो उसको रोज के 500 टोकन आ रहे हैं, किसी के 2,00,000 टोकन स्टेक हैं उसको 2,000 आ रहे हैं, किसी के 10,00,000 हैं उसको 10,000 आ रहे हैं, किसी के 10,000 टोकन स्टेक हैं उसको 100 आ रहे हैं, वो 2,00,000 लोग अलग हैं, लेकिन 88,00,000 लोग अभी टोकन खरीदना चाहते हैं, उनको टोकन की रिक्वायरमेंट है, और उनके टोकन का सोर्स है वो लोग जिन्होंने टोकन जो मिंट करते हैं रोजाना, वो बेचते हैं, अगर वो सारा भी बेचते रहे, सारा भी बेचते रहे भाई, तो तब भी उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत सिस्टम बन गया हुआ है। आप वही मैं अक्सर कहता हूं कि जो हम अगर आंखें बंद कर लेंगे ना या आंखों पे हाथ रख लेंगे तो हमें सूरज तक दिखाई नहीं देगा, बाकी चीजें तो देखना दूर की बात है। तो जो सक्सेस यहां पर बिल्ड हो चुकी है, अगर उसकी शिद्दत को, उसकी इंटेंसिटी को आप समझ जाएं और हम लोग अपना ट्रैक पकड़ लें, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं इस यकीन के साथ कि आप सारे के सारे कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप लीडर्स हैं, और इस मीटिंग का जो पर्पज होता है वो लीडर्स के लिए है, अपना दोस्तों के लिए है जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। नए लोगों के लिए तो प्रेजेंटेशंस होती हैं, 1:30 बजे हमारे एक भाई ने शिवम केशव ने प्रेजेंटेशन कर दी है, और जो है वो 6:30 बजे जो है वो शिवेश कुमार जी जो है हमारे प्यारे भाई वो मीटिंग करेंगे, तो प्रेजेंटेशंस तो हमारी चल रही। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं अपने दोस्तों से जो सिस्टम का हिस्सा है, जो इस बिजनेस का हिस्सा है। मैं ये समझता हूं, आपने अगर फिल्म देखी है ना 300 अगर मूवी देखी है आपने, तो आपने देखा है किस तरह से उनकी यूनिटी, उनका इत्तेहाद, उनकी स्किल्स, उनका एक दूसरे को सपोर्ट करना, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका कॉम्बिनेशन उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़वा भी देता है और जितवा भी देता है। जस्ट 300 पीपल। एक दिन खान साहब कह रहे कि मुझे अपने जैसे, ये आपने सुनी है तवज्जो से बात, कि मुझे अपने जैसे 10 लोग मिल गए ना तो मैं इस कंपनी को वहां ले जा सकता हूं, किसी की सोच भी नहीं गई वहां तक, जहां सोचें जाती है ना, जैसे सोच जाती है, मैं BFIC की प्राइस में सोच को कहां तक पहुंचा दिया है, $3,000-3,500 पे तो सोच जा सकती है ना, जो प्लान है अगर वो फॉलो होते हैं अगले 2 साल के अंदर तो आपको 2,500-3,000 कहीं ना कहीं BFIC में समझ आएगा ना, वो सोच वहां जहां जाती है ना उससे भी आगे जा सकता हूं अगर मुझे 10 लोग अपने जैसे मिल जाए। और मैं गौर किया कि क्या उनमें से मैं एक हूं, मैं क्या हो सकता, मैं भी ना हूं, तो 10 लोग अभी नहीं मिले उनको, कहना कि 10 लोग मुझे अपनी तरह सोचने वाले मिल जाए जिस तरीके से मैं, और उनमें जो क्वालिटीज हैं वो सबको पता है, ब्लंट हैं, बड़े डिसीजन करते हैं, चीजों को टाइमली डिसीजन करते हैं, ब्रेवरी है, करेज है, गट्स हैं, नॉलेज है, समझ रहे हैं, सारी चीजें हैं, अब क्राइसिस मैनेजमेंट है और बड़ी खूबियां जाहिर है बंदे में होती हैं, उनमें भी हैं। तो वो मैं गौर किया कि इनमें क्या क्या खूबियां और ये क्या सोच रहे हैं कि यार 10 बंदे इन जैसे मिल जाए, पता नहीं मैं उनमें से एक हूं कि नहीं, आप उनमें से हैं कि नहीं है, और अगर नहीं मिले तो इसका मतलब है अभी मिलने बाकी है। हो सकता है आप में से जो सुनने वाले हैं इनमें से लोग आए
इनमें से नए लोग आ जाएं जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, तो वो और उसकी वजह क्या है कि वीएन मैच करना। मेरी मैं अगर अपने लिए कहूं तो मुझे भी शायद अपनी टीम में 10 ऐसे लोगों की जरूरत रहेगी जिसकी वजह से मैं ग्रो कर सकूं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ फायदा मिल सके। तो हर एक बंदे को अपनी टीम में अपने जैसे लोग चाहिए होते हैं। आपको अपनी टीम में आप जैसे लोग चाहिए जो आपकी तरह मेहनत करते हो, आप दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी टीम में भी ऐसे लोग पैदा हो, तो हम मिलकर सक्सेस बड़ी निकाल सकते हैं। तो यही शायद उनका मानना था। तो हम 1.6 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, अगर उनको 10 लोग वैसे नहीं दिखे तो इसका मतलब है उनका विजन इतना ब्रॉडर है, इतना बड़ा है, जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए उनके पास 10 की गिनती पूरी नहीं है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए कि हम एक पर्पस के साथ अगर मिलकर एफर्ट शुरू कर देंगे, अपने आप को अपने मोटिव को सामने रखते हुए, मोटिव हमारा 30% कमाना नहीं है महीने का, हमारा मोटिव महीने का 100% कमाना नहीं है, मोटिव नहीं है वो हमारा मंजिल नहीं है हमारी, वो हमारा जर्नी है, जर्नी का पार्ट है। लेकिन जर्नी के पार्ट को, जब मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप एक सफर पे निकलते हैं, आपके सामने कोई मंजिल होती है, तो आप रस्ते की मुश्किलात के लिए तैयार रहते हैं। आप रस्ते के अंदर नहीं, क्या कहते हैं किसी समझदार आदमी ने कहा था कि जब आप कभी कीचड़ में गिर जाए ना, तो वहां घर फोन करके बिस्तर नहीं मंगवाते कि आज सर बिस्तर ऐसे ला लेना, मेरे कंबल भेज दो, मैं तो कीचड़ में गिर गया हूं, ऐसे नहीं करते, बल्कि कीचड़ से निकलने की कोशिश करते हैं। आप कभी कीचड़ में गिर जाएंगे तो वहां अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं बना लेंगे कि उनमें ऐसे रहना है, वहां से निकलने के लिए एफर्ट करेंगे, उठेंगे, निकलेंगे, अपने आप को झाड़ेंगे, धोएं धोएंगे और जाके वापस घर ही पहुंचेंगे। तो आपके पास जो अभी चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को इतना सर पे अगर हम रख लें कि यही तो मुसीबत है, यही तो हमारे लिए परेशानी है, यही तो हमारे लिए टेंशन है, वो तो आपका कॉज ही नहीं था। अगर कितनी सारी ऐसी, ये तो अब ट्रेंड आया ना, ये आपने ट्रेंड अब देखा है, BFIC से ट्रेंड देखा है आपने कि नेटवर्क के साथ आप ग्रो करते हैं क्रिप्टो को, लेकिन इससे पहले का ट्रेंड क्या है और मार्केट का ट्रेडिशनल ट्रेंड क्या है भाई, क्या देता है आपको भी? टॉरेंट आपने सुना है, बिट टॉरेंट के नाम से एक बिट टॉरेंट है जिससे हम मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं पायरेट्स बे और इस तरह की साइट से। उस टॉरेंट वालों ने अपना टोकन लॉन्च किया, कई ट्रिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितना, बहुत ही ढेर सारा, आपके BLV से भी कुछ 100 गुना ज्यादा। व्हाट आर दे डूइंग? क्या वो नेटवर्क चला रहे हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने 4 एक्सचेंजेस पे डाल दिया, लोग खरीद के रख रहे हैं और प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं रखा हुआ। मैं भी रख लिया थोड़ा सा लेके, आपने भी रख लिया, किसी ने रख लिया, जिसने भी रख लिया रखा हुआ, कोई गाली खैर है, 10-20 साल, 5-7 साल, चलो $10 का लेता है, हो सकता है कुछ 10,000 चांस है। तो ये क्या है, इस तरह क्रिप्टो बिहेव करती है। लेकिन आपको ये ट्रेंड मिला है कि इसके साथ एडिशनल इनकम कर सकते हैं आप, लेकिन उस एडिशनल इनकम के अंदर अगर कोई चैलेंज आता है, कोई चीजें या इश्यूज आती हैं, उसको इस तरह से कंपेयर करना कि यार मेरा नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पे आज आपका आप स्टेकिंग नहीं कर पाए किसी वजह से और आप कहते हैं मेरा नुकसान हो गया, तो मैं फिर ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाता हूँ कि रोजाना 9 करोड़ टोकन्स लोगों को जाते हैं जिनकी वैल्यू शायद $3 मिलियन है, जिसको लोग कैश आउट करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं अगर सबका ही नुकसान हो रहा है? तो सब यही कहेंगे कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। टेक्निकल चैलेंज की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज कितने सारे लेवल्स मिस हैं, वो उनको ऐड करने की कोशिश करें, तो ये अगर ये सभी का नुकसान हो रहा है तो फिर फायदा किसका हो रहा है भाई? तो इन चीजों को सानवी समझिए। बस मैं सिर्फ ये गुजारिश ये थी इस पूरी बात की कि इन चीजों को सानवी समझिए। आपकी हकीकी मंजिल कुछ और है, आपकी हकीकी मंजिल है आपको 2 सेंट वाला टोकन, 3 सेंट वाला टोकन $3 में बेचना है, $2 में बेचना है, आपको वहां से चाहिए 100 गुना कामयाबी। आपको अपने $10,000 को $1 मिलियन करना है, आपको अपने $1,000 को $1 मिलियन करना है, ऐसे किसी सिचुएशन के अंदर आपको जाना है। तो आप अपने एम से हट जाएंगे और इन चीजों में फंस जाएंगे तो एम तो वहीं रह जाएगा। तो जब एम के साथ आप सिंसियर नहीं, क्योंकि आप तो कंपनी का पार्ट थे, आप तो कंपनी की साइड पे हैं, आप तो कम्युनिटी की साइड पे हैं, आपकी कामयाबी तो कंपनी की कामयाबी बनी है। और अगर आप इस तरफ उलझ गए, आप अगर वो क्या कहते हैं उसको जो रेजर गाड़ी होती है, पान कहने पंजाबी जैसे, अगर आप उसमें उलझ जाएंगे कि मैं पान इकट्ठा कर लूं, तो फिर आप अपनी मंजिल पर कैसे जाएंगे? आपने ही कॉइन को बनाना होता है, आप ही कॉइन को डुबाते हैं, याद रखिएगा। एज ए कम्युनिटी मैंने कई दफा इस बात का तस्करा किया कि बिटकॉइन दुनिया का नंबर 1 कॉइन माना जाता है, मगर उस बिटकॉइन का कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है जिसे कहा जाए कि क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, कैसे प्राइस बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। इसका मतलब है किसने बनाया उसको? उसको कम्युनिटी ने डेवलप किया है। आज कम्युनिटी के सर पे ही वो हुकूमतों के साथ टक्कर लेकर बैठा है। आज वो एल सल्वाडोर का कौमी करेंसी के तौर पे चलता है। आज वो दुनिया के बेशुमार मुल्कों के अंदर जो है एक लीगल टेंडर माना जाता है। आज बैंक्स उसको खरीद रहे हैं, कंपनीज उसको खरीद रही हैं, इंस्टीट्यूट्स उसको खरीद रहे हैं। ये उसकी शॉर्टेज की वजह है। इंस्टीट्यूट्स आगे 1500-1000 का नहीं बिकता था, इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। आज उसकी कीमत हजारों से कम नहीं होती क्योंकि इंस्टीट्यूट्स हैं।
गवर्नमेंट्स जब इसमें इन्वॉल्व हो गई तो इसकी कीमत लाखों से नीचे नहीं आएगी, याद रखिएगा। जिस दिन गवर्नमेंट्स ने प्लान बना लिया, चलो मेरा $5 अरब का भी ले लो या मेरे $10 अरब का भी ले लो, तो इसकी कीमत फिर आपको मिलियंस में मिलेगी, फिर हजारों में भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा फार्मूला यह है कि कम्युनिटी इतनी ताकतवर हो, इतनी यूनाइटेड हो कि वो अपने क्वाइन को ग्रो कराए। और हमें तो सीखने के लिए बिटकॉइन मिला है, हमारी तो लर्निंग हो रही है उसको सामने देखकर, हम सबकी लर्निंग होनी चाहिए। हम कभी भी उस शख्स की तरह नहीं बनना जिसने पिज्जे की खातिर 5,000 बिटकॉइन दे दिए थे। हमें ऐसा बनना है, हमारे पास 5,000 BLV हो तो चलो 10% बेच दिया, 90 रख लिया, फिर प्राइस कहाँ अच्छी लगी 10% बेच दिया, फिर कहीं प्राइस नीचे आई तो खरीद लिया। हमें ऐसे चलना है, हम इस कम्युनिटी की तरह चलेंगे तो हम इसके साथ चलेंगे। बीटीसी की कम्युनिटी उसके साथ कब से है? 2008 से है। बीटीसी की कम्युनिटी 2008 से है और 13 में आ गए, 23 में आ गए, 13 साल गुजर गए हैं, 13 साल से कम्युनिटी साथ है, 13 साल से उस क्वाइन के साथ है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप BFIC और BLV के साथ 13 साल रहे और ये 13 साल तक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़े, तो आपको उतनी ही सिंसियरिटी चाहिए, उतना ही इखलास चाहिए जितना बीटीसी वालों को बिटकॉइन से है। इतना अगर आपको होगा तो आपको भी हो जाएगा। मैं कई दफा इस बात का तذکرہ किया है कि कौम बनाती है मुल्क को, कोई मुल्क कुछ नहीं है, कौमों ने बनाए हैं मुल्क, लोगों ने बनाए हैं। मुल्क क्या होता है? मुल्क तो जमीन का टुकड़ा होता है, कई जगहों पे बंजर पड़े हैं, अफ्रीका में है नहीं पड़ा है। तो जो कंट्री बनता है उसकी कामयाबी बनती है, उसका पासपोर्ट नंबर 1 बनता है कौम की मेहनत से, कौम की ईमानदारी से, कौम की स्टेबिलिटी से, कौम के विजन से। कंट्री तो जगह होती है, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से आपका क्वाइन कुछ भी नहीं है, डिजिटल एसेट है, एक गिनती है, एक ऑनलाइन है, सेफ गिनती है जी, ब्लॉकचेन पे पड़ी है, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई रिवर्स नहीं कर सकता, ये नहीं हो, सब खूबियां हैं, पर किस काम की है? जब तक उसके पास एक कम्युनिटी नहीं है, जब तक उसके पास एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं है। अभी कल परसों में हमारे एक भाई हैं, उन्होंने जो है वर्किंग की है, एफर्ट की है, हाफ कम्युनिटी का पार्ट है, उनका कोई फायदा नहीं, उन्होंने वर्किंग की है सूरत गुजरात के अंदर जो है वो एक रिजॉर्ट है जो BLV एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम उस तरफ जा नहीं रहे। दुनिया में हजारों आउटलेट्स BLV एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं आज के दिन में, लेकिन आपकी कंपनी का एक रोड मैप है, एक प्लान है, आपको एक्सचेंजेस पे भी जाना है, आउटलेट्स पे भी जाना है, यूजेबिलिटीज भी बनानी है आपको। अगर वो वाला VN आपका धुंधला पड़ गया है किसी वजह से कि मेरा एक ट्रांजेक्शन यहाँ स्टक है, उसकी वजह से दुनिया अंधेर नगरी लग रही है, तो फिर अपनी मर्जी है। और वो कहते हैं कि किसी आपको एक खबर मिले कि किसी जगह पर 1 करोड़ लोग बेचारे किसी हादसे में, किसी अर्थक्वेक में, किसी सुनामी में इस दुनिया से चले गए, और सेम टाइम पे आपकी अपनी दाढ़ में तकलीफ हो जाए, तो आपको अपने दांत का दर्द ना उन सबके दर्द से बड़ा लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ। इस फलसफे के तहत हम ये करते हैं कि हमारे साथ कोई चैलेंज आ रहा है वो हमें सबसे बड़ा लगता है, लेकिन हम आंखों पर हाथ रखते ये नहीं देखते कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हम वहां तक जब पहुंचेंगे तो कितनी बड़ी सक्सेस हमारे पास आएगी, उसको जहन में रखें। और रेस्ट अश्योर कुछ चीजें, 2-3 चीजें कंपनी के वाले से, पता नहीं मैंने कहां से बात शुरू की, कहां से खत्म कर दी। ट्रेनिंग का यही फायदा होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाब देने नहीं है कि भाई तो गल करनी की इसी तक की है, जो मन में आया वो बोल दिया। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं, आपकी एप्लीकेशन जो बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन है, जो कि अभी हमारी बुनियाद बननी है, अभी तो 1.6 करोड़ लोग हैं, अभी तो हमने यहाँ 10.60 करोड़ देखने हैं। आपकी एप्लीकेशन स्मूथ चलेगी तो नतीजा क्या निकलेगा, आपके साथ नए लोगों का जुड़ना और आसान हो जाएगा, लोगों के लिए बीफर खरीदना और आसान हो जाएगा, लोगों के लिए जो है वो एंट्री साइन अप करना, 100 टोकन्स जो गिफ्ट में मिलते थे अब उसकी कीमत पे करना आसान हो जाएगा। और चले आपका फायदा ही हो गया, अगर थोड़ा दिक्कत चल रही है तो आगे अगले महीने से जो है वो 5 बीफर के साथ ही साइन अप हो सकेगा, तो आपको उससे भी फायदा मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो है उसका नया वर्जन बिल्ड हो रहा है, जो आज थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले मुझे पता लगा कि होपफुली आपको जो है वो 25 तारीख से पहले उसका नया वर्जन मिल जाएगा, जो एक स्मूथ होगा और फ्लॉलेस होगा, जो मैं कहना चाह रहा था। और दूसरी चीज ये है कि आपकी ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन से जुड़े बहुत सारे इश्यूज हैं, जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे आप एक्सचेंज ऑन पर भेजा तो वो ब्लॉकचेन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वैसे तो आपके हर ट्रांजेक्शन में ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है, उससे जुड़े जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी ब्लॉकचेन भी अपग्रेडेशन पे जा रही है, स्मूथ होकर आपको वापस मिलेगी विद इन फ्यू डेज, जब जाएगी आएगी तो आपको अच्छी तरह। आपके पास एक एक्सचेंज है जो दुनिया की जो इस मिशन के साथ आ रही है कि उसको भी दुनिया के top 10 एक्सचेंजेस में जाना है। शुरुआत उसकी कैसे थी, वो एक पोर्टल था, आप सबको पता है, एक P2P टाइप पोर्टल था, फिर ग्रोथ हुई हुई हुई, आज जो शक्ल देखते हैं पहले वाले से कितनी बेहतर है, लेकिन आगे जो इसकी शक्ल देखेंगे तब आपको ये लगेगा वो जो आने वाली है वो कितनी शानदार है, और जो आप पीछे गुजार रहे हैं। तो ऐसे ही जर्नी ऐसे ही होता है, सफर ऐसे ही होता है, लोगों की जिंदगी ऐसे ही आती हैं, पैदल से लोग आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना वो जहाजों तक पहुंचते हैं।
है, तो किसी के पास पहले दिन नहीं होता कि पैदल था सुबह उठकर जहाज ले लिया। तो जिनके पास आज जहाज है, इससे पहले ये गाड़ियों पे सफर किया करते थे, उससे पहले ये किसी की गाड़ी पे सफर किया करते होंगे, उससे पहले शायद साइकिल पे भी सफर करते हैं, और उससे पहले पैदल भी हूँ। तो ये जर्नी होता है, तो इस जर्नी के अंदर चीजें इस तरह बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, आगे जाती हैं। तो ये तीनों चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, ब्लॉकचेन भी, आपकी एक्सचेंज भी, और आपका एप्लीकेशन भी, ये आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। खुलासा जो है आज के दिन का वो ये है कि अगर मुझे अपनी काबिलियत का पैमाना किसी को बताना है, तो वो आज के बाद क्या रहेगा, वो काबिलियत का पैमाना ये रहेगा कि भाई मैंने जो है वो इतनी नई टीम क्रिएट की है, और इस टीम के अंदर मैंने इतने लोगों को एक्टिवेट किया है। इसी पर बेस करके एक प्रमोशन भी आने वाली है जो डिजाइन हुई हुई है, वो आपको बता देता हूँ। प्रमोशन यही है कि आपको डेली बेस पे 10 लोगों को एक्टिव करना है, और अगर ये काम आप 30 दिन तक मुसलसल कर पाए, तो यू विल बी विजिटिंग दुबई। आप दुबई का ट्रिप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इस कंपनी के खर्चे के ऊपर, अगर आपने ये प्रमोशन विन कर ली डेली बेस पे 10 लोगों को एक्टिव करने वाली। ठीक है, ये आने वाली है, बस अनाउंस होने वाली है। ये पहले अनाउंस की थी और पोस्टपोन कर दी थी। पोस्टपोन इसलिए कर दी थी कि एप्लीकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उनको फिक्स करके करने का प्लान था ताकि स्मूथ तरीके से चल सके। तो इसकी तैयारी रखें, आप सब लोग तैयारी रखें इसकी, कि आपको ये करनी है और इसके लिए पूरी कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। अगर आप करेंगे तो आप जाहिर है वो ट्रिप विन कर पाएंगे जो अनाउंस होने वाला है। तो एक ये चीज अपने जहन में रखिए। इसी तरह जो दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट वाली, वो ये है कि जो भी आपको दिक्कत आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं, उसको पार्ट ऑफ द बिजनेस समझिए। उसके साथ अपनी जिंदगी का जीना मरना मत जोड़ दीजिए, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। टेक्निकल इशू, चैलेंज, ओटीपी नहीं आ रहा और मैं इसकी वजह से जो है वो परेशान घूम रहा हूँ, डज नॉट मैटर ब्रो। बिजनेस है, शुरुआत है, ये सब लर्निंग का हिस्सा होता है। चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सपोर्ट सेंटर मौजूद है, सपोर्ट सेंटर पर जाइए। और जब सपोर्ट पर जाएं तो इस चीज को जहन में रखें, इस चीज को हमेशा जहन में रखें कि 90 लाख लोग रोजाना इस एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को मसाइल आते हैं, उनमें से आप भी शामिल हैं, वो मसाइल आते हैं। मैं एवरेज बता रहा हूँ, डेली बेस पे 4,000 से 5,000 रिपोर्टिंग्स होती हैं, कस्टमर सपोर्ट के पास आते हैं, जिनको चैलेंजेस मिलते हैं, जिनका 90% सॉल्व हो जाता है। कोई एक दिन में सॉल्व हो जाता है, कोई 2 दिन में हो जाता है, कोई 3 दिन में हो जाता है। 10% के करीब ये हैं जो ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो टेक्निकली जरा मुश्किल होते हैं, जिनको सॉल्व करने में 1-to-1 केसेस बेस पे ऊपर वक्त ज्यादा भी लग जाता है। इसलिए परेशान मत हुआ करें, सारा कुछ ही तो आपका है। मैं आपको ऐसी चीजें बता दूंगा, आपकी अकल दंग रह जाएगी। अगर उमर खान साहब के अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो सॉल्व कराने में 3 दिन लगते हैं, अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। तो दीज आर द टेक्निकल चैलेंजेस, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज से घबराना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता, कोई मेरी सुन नहीं रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा। आप कस्टमर सपोर्ट पर जब मैसेज डाल दिया ना, आप समझिए कि वो कंपनी तक पहुंच गया। कस्टमर सपोर्ट वाला किसी एक मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकता, सिवाय इसके जिसमें आपने कुछ गलत लिखा होगा। अगर बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसके लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जीरो टॉलरेंस है। अगर बैड एटीट्यूड, बैड लैंग्वेज शामिल होगी, उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि डिलीट कर दो, खत्म कर दो, उसको रखना ही नहीं, रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये उनको सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी है मैंने, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव कम्युनिटी के तौर पे आगे चलना है तो पॉजिटिवली आगे चलेंगे। एटीट्यूड दिखाकर और बैड लैंग्वेज यूज करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे हम डिमोरलाइज करेंगे अपनी सपोर्ट टीम को भी, इससे डिमोरलाइज करेंगे हम कंपनी को भी। तो आपने कम्युनिटी के तौर पर, हमने कम्युनिटी के तौर पर ग्रो करना है, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है। वो जो 3% एक्स्ट्रा नहीं है हमने नेगेटिव वाला, हमारी हमारी मिट्टी की वजह से, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, वो 3% जरा माइनस करें, कम से कम दुनिया के बराबर आ जाएं, 95% के करीब हम नेगेटिव अप्रोच रख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा 3% हमारे पास है हमारे कॉन्टिनेंट की, वो माइनस करें, थोड़ी सी मेहनत करें उसको माइनस करें, पॉजिटिव सोचें। कंपनी यही मौजूद है, एम्स यही है, टारगेट्स यही है, यूजिबिलिटीज आपके सामने है, मुझे आपको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 99.99% यूजिबिलिटी आपकी रेडी पड़ी है, जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल। चले आप दोस्त बैठे हैं तो मैं आपको एक रीजन भी बता देता हूँ। टाइम टू ट्रेवल में जो जो करेंसी एक्सेप्ट होनी है टिकट्स बाय करने के लिए, वो BFIC है। अगर ये कल शुरू हो जाता है तो BFIC से आप टिकट बाय कर लेंगे, दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करना है। ठीक, इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, जिस तरह जो ट्रेवल एजेंट्स होंगे या जो लोग ज्यादा टिकट्स बाय करते हैं उनको डिस्काउंट भी चाहिए इसके ऊपर, तो वो इसके अंदर जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे। जो मंथली सब्सक्रिप्शन शायद शायद जो है वो $1 हो, $2 हो, मुझे नहीं पता, और वो लिया करेंगे बीफर के अंदर, बीफर में दिया करेंगे मंथली उसकी जो सब्सक्रिप्शन है। अब उसको लॉन्च कर दिया तकरीबन, और जब सारा कुछ हम क्रिप्टो में कर रहे थे तो वी वर थिंकिंग लाइक दैट कि यार ओके है, अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उन कंपनीज को, जिन कंपनीज से हम ये टिकट्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल टिकट्स हैं, टिकट्स तो क्रिप्टो वाली नहीं है, टिकट्स तो एमरेट्स से जाना है तो एमरेट्स की एयरलाइंस तक पैसे पहुंचने चाहिए या उसके डीलर तक पहुंचने चाहिए
या उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने चाहिए। अगर आप जो है वो किसी और एयरलाइन को कर रहे हैं, आप एयर इंडिया को कर रहे हैं, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कर रहे हैं, आप एयर ब्लू को कर रहे हैं, आप स्विस एयर को कर रहे हैं, पूरी दुनिया के टिकट आप बाय कर सकते हैं। तो उन सबके डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल डिस्ट्रीब्यूटर्स और इस तरह करके जो नेटवर्क बना होता है, वहां तक तो आपने पैसे ही पहुंचाने हैं ना। कस्टमर तो आपको बीएफआईसी दे गया, कस्टमर तो आपको बीफर दे गया, लेकिन उन तक तो पैसे ही पहुंचाने हैं। तो जब एक पहली ट्रांजेक्शन की जो कि 1 मिलियन दिरहम की थी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बड़ी कंपनी को, तो तब हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि वो तो क्रिप्टो में लेते नहीं, हम उनको बिटकॉइन नहीं भेज सकते, हमें उनको कैश ही भेजना है। और जब कैश भेजना है तो फिर हमें एक पूरा चैनल उसके लिए एक लेजिटिमेट चैनल क्रिएट करना है। आप उनको छुपकर तो पैसे नहीं भेज सकते कि यार 1 मिलियन दिरहम उनको छुपकर भेज दिया, क्योंकि हमारा तो क्रिप्टो में आते हैं पेमेंट। उसके लिए फिर हमें एक रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें यूएई के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइसेंस चाहिए था उतनी वॉल्यूम का पेमेंट्स भेजने के लिए। और ये अच्छा हुआ कि हमें 1 मिलियन दिरहम का ही पता लग गया इस चीज का, 1 मिलियन दिरहम की पेमेंट सेंड की, तो ये चीज सामने खुल के आ गई कि बड़ी पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको जो है वो एक प्रॉपर चैनल क्रिएट करना पड़ेगा एक अलग से लाइसेंस लेके, एग्जिस्टिंग लाइसेंस के साथ आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उसका वो होल्ड पे है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें, ये वाला एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज जो है वो जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो आपके लिए आसानी रहेगी कि फिर आपको ये पता है कि कभी 100 मिलियन की भी रोज टिकटें बिकती हैं तो आप भेज सकते हैं, आपके पास चैनल है, बैंक टू बैंक से जाने, समझ रहे हैं। तो वो आपका पूरी तरह से प्रोजेक्ट तैयार है, उसकी लॉन्चिंग में ये देर है कि गवर्नमेंट के काम होते हैं, इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है। और यही वजह है बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपने बेस क्यों बनाया दुबई को, आप कहीं और बेस बना लेते, जो फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं आपको लेजिटिमेशन करने के लिए, आपको लीगलाइज होने के लिए, क्योंकि ऐसे कंट्री में आप काम कर सकते हैं जो कम अज कम क्रिप्टो को एक्सेप्ट तो करते हैं। बाइनेंस को यहाँ पर जो लाइसेंस मिला है वही लाइसेंस आपको मिलने के लिए जा रहा है। तो इस तरह की लाइसेंसी, तो इस तरह की चीजें अगर आपके पास यहाँ पे होंगी तो आप अपने आप को आप फिएट के साथ अच्छा ब्रिज कर सकेंगे, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को जो आपकी फिएट करेंसी है उसके साथ अच्छा जोड़ सकेंगे, अच्छा मैच कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे ब्रिज करके। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल तैयार पड़ा है, जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा आपका बीफर जहां पे कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, आपका जो है वो बीएफआईसी वहां कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, और 16-17 महीने के बाद जब एक्सचेंजेस पर चले जाएंगे तो आपका बीएलवी भी वहां पे एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, यूज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपका बीएफआई स्टोर, उसका भी बीटा वर्जन मुकम्मल तैयार है, उसके अंदर भी इतनी चीजें ऐड होती हैं आपको तो नहीं पता लगता। मैं सुन रहा होता हूँ एम्प्लॉयज आपस में बहस कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन में जब कोई पिक्चर डालेगा तो इसकी बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए जिस तरह अमेज़न की होती है। दूसरा कहता है हम अमेज़न की तरह क्यों करें, हम उसे कहते हैं कि वो जो मर्जी पिक्चर डाल दे उसकी मर्जी है, उसको सहूलत देते हैं। कोई कहता है उसको कैटेगरीज 1 by 1 ऐड करनी चाहिए जिस तरह जो है वो ईबे पे होती है। वो कहता है नहीं यार हम उसको ईबे की तरह क्यों करें, हम उसे कहते हैं सिंगल क्लिक पे सारी कैटेगरीज ऐड कर ले। तो ये चीजें, ये डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, आप तक आपके लीडर्स नहीं पहुंचा पाते, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी के ऑफिशियल चैनल्स के जरिए से जो अपडेट्स होती हैं शेयर होती रहती हैं, इस तरह की मीटिंग्स में हम बात कर देते हैं। तो आप ये समझिए कि चीजों के ऊपर मुसलसल डेवलपमेंट हो रही है। आपके 32 प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि अगले 2-3 साल के अंदर जो है आपके कम अज कम जो है वो 15 के करीब प्रोजेक्ट सुपर तरीके से लॉन्च हो चुके होंगे। और अगले 2-3 महीने के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट्स लें आप। जोकर्स का आपको ऑलरेडी पता है वो रीबिल्ड हो रहा है, वो पहले बन चुका था, लॉन्च किया गया लेकिन रीबिल्ड हो रहा है। इस तरह आपके प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं। अब क्रिप्ट्यूब की बात करें तो उसका सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है कि जी आप जो है वो देखने के पैसे मिलेंगे यूट्यूब, सिर्फ इतना ही नहीं है, तो बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम तौर पे मार्केट में कमियां हैं। आपको पता है आप क्रिप्टो को प्रमोट नहीं कर सकते, दुनिया के बहुत सारे सर्च इंजन और बहुत सारी वेबसाइट्स जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं अभी। तो अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट्स करने के लिए जा रहे होते हैं जिनके अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड कम्युनिटी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही हो, तो इसका मतलब होता है कि वो आइडियाज एक्सक्लूसिव हैं। तो खैर ये सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, खुलासा क्या है आज की सारी मीटिंग का, आखिरी 3 मिनट है। मेरी ख्वाहिश थी जो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं वो इसको सुन पाते, यानी वो उनको मैं बोलने का मौका देता, लेकिन हमारे पास 3 मिनट है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, जो चीजें हो चुकी हैं उनको देखते रहिए, आगे देखते रहिए, साथ साथ जो मसाइल हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। जिन मसाइल का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है वो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाएंगे, जिनका ताल्लुक जो है वो कंपनी के किसी डिसीजन से है वो उससे सॉल्व हो जाएंगे, और ये सारे इश्यूज डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये इश्यूज पार्ट ऑफ द बिजनेस हैं। कितनी सारी आपने ऐसी कंपनीज देखी होंगी जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और 3 महीने बाद पूरी कंपनी ही बंद हो गई, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो उससे बेहतर ये है कि आपका जर्नी जारी है, आप 3रे साल में हैं प्रॉब्लम्स के साथ ही, हो सकता है 3 साल और लग जाएं प्रॉब्लम्स के साथ ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्नी जारी रहना चाहिए, सफर जारी रहना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोई ऐसी बात बोल दी हो जो किसी को बुरी लगी हो, छोटे बड़े भाई को और किसी बहन को, अंकल आंटी को बुरी लगी हो, किसी बच्चे को, तो मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से माजरत है। और कल के दिन में इसी टाइम पे मुलाकात करते हैं, और जो नए दोस्त आपके ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको जरूर लेकर आइए 6:30 बजे यानी अभी से 1 घंटे बाद दुबई टाइम के मुताबिक, जो है शिवेश कुमार जी जो है बी लव नेटवर्क की प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड लव यू ऑल।